प्रिय दर्शक, हमारा प्रणाम बा। हम बबलू जौनपुरी। और इससे पहले हमारे एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था हमें बंडर बॉयज, ऑल इंडिया रिलीज थी। सेकंड हॉरर नाइट रिलीज हुई, वो भी ऑल इंडिया हुई। अभी तीसरी जब जब खून पुकारे, तो बारिश बाद रिलीजिंग पे है। ये चौथी मेरी भोजपुरी है। पहले तो हम तहे दिल से राम जी भैया को धन्यवाद देना चाहेंगे और डायरेक्टर सूरज भारती को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें उस लायक समझा, अपने फिल्म में लिया हमें कि नहीं इनको लेना चाहिए, कास्ट करना चाहिए, उन्होंने हमें कास्ट किया। इसलिए इनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिल्म काफ़ी अच्छी है और उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। देखने आए, हमसे सीनियर हैं, उनके साथ हम काम करेंगे, तो हमको बेहद खुशी है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं और कुछ हमें उनसे सीखने को मिलेगा। हाँ नमस्कार, मेरा नाम सूरज भारती है और आज हम लोग जानलेवा मोहब्बत का मुहूर्त कर रहे हैं। बड़ा अच्छा टाइम है, सब लोग आए यहाँ पर। पहली बार भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ तो खुशी हो रही है। और ये हमारे हैं शिवाकांत मिश्रा जी, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ एज ए पार्टनर हैं हम लोग। और ये सर हमारे दिनेश राजपूत जी, हम लोग सब मिलकर एक अच्छी फिल्म का स्टार्टिंग कर रहे हैं। नहीं, मोहब्बत तो हर तरह की होती है, बट यहाँ पे कैसा है ना, ट्रायंगल जानलेवा मोहब्बत चल रहा है। एक लड़की है, उसके पीछे सारे लट्टू हैं, तो विलेन भी हैं, हीरो भी हैं। और हमारे फिल्म में जो हीरो हैं बबलू जौनपुरी जी। प्रणाम दोस्तों, मेरी ये पहली भोजपुरी पिक्चर है जिसमें हम काफ़ी खुश हैं पिक्चर करने से। अभी आगे बाकी जो कुछ भी है, सूरज भाई हैं, दिनेश भाई हैं, हम लोग मिल के एक अच्छी मूवी का शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हमारे हीरो लेखक सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छी फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं और इसी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक फिल्में अच्छी आ रही हैं और दर्शकों को कहीं ना कहीं कुछ नए स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारे लेखक जी इस फिल्म में बहुत अच्छी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी जहां तक मुझे पता चला है। और मैं चाहती हूं कि इसी तरह से अगर हर इंडस्ट्री का राइटर कुछ नया करे, कुछ नया बनाए, तो कहीं ना कहीं भोजपुर इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी। पहले तो नमस्कार सबको, दर्शकों को आप सबका बहुत प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए और इस फिल्म को भी आप लोग अपना प्यार दीजिए। और मेरा जो इस फिल्म में कैरेक्टर है वो बहुत ही हटके है, एक क्यूट सी लड़की का भी है, जो कि मतलब कैसे लाइफ में सरकमस्टेंसेस आते हैं और वो क्यूट सी लड़की कैसे चेंज हो जाती है। और क्यूट के साथ साथ इसमें बोल्डनेस भी है कि आई एम वेरी बोल्ड, मतलब मैं कोई भी कदम उठाती हूँ तो डट के उसका सामना करती हूँ कि हाँ आई एम समथिंग। और जैसे कहते हैं ना, नारी सशक्तिकरण के ऊपर ये फिल्म देखा जा सकता है तो बना है, मतलब एक भोजपुरी में कुछ अलग करने को मिला है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं श्री काजल जी और उनके साथ उस समय भी काम करके बहुत अच्छा लगा था। और हाँ, इस समय भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी इस फिल्म की हीरोइन हूँ, वो भी एज अ पहले लीड, वो भी काम कर रही हूँ मैं भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत प्यार दीजिए और हाँ, इस फिल्म के लिए भी आप लोग अपना बहुत बहुत प्यार बनाए रखिए। Planet Bhojpuri।